Hello students, welcome to greatlectures.com. पिछले लेक्चर में हमने इम्पैक्ट लोडिंग के बारे में देखा, एक एग्जाम्पल भी हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं इम्पैक्ट लोडिंग के क्वेश्चंस को, अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होना चाहिए. उस हिसाब से अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इम्पैक्ट लोडिंग के, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इम्पैक्ट लोडिंग पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से इम्पैक्ट लोडिंग के क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ सिंपल एग्जाम्पल विद अ सिंपल एग्जाम्पल. यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल में दो प्रिज्मेटिक बार हैं, प्रिज्मेटिक बार वन एंड प्रिज्मेटिक बार टू. प्रिज्मेटिक बार वन का लेंथ एल है, डायमीटर डी है, और प्रिज्मेटिक बार जो सेकेंड प्रिज्मेटिक बार है उसका लेंथ एल बाई टू है और डायमीटर एज इट इज डी है. दोनों का लोडिंग कंडीशन सेम है, लोडिंग कंडीशंस आर सेम, डब्ल्यू लोड दोनों पर लग रहा है, बोथ आर एक्सियल लोडिंग, दोनों पर डब्ल्यू डब्ल्यू लोड जो लग रहे हैं दोनों एक्सियल हैं. मेंबर वन का जो फर्स्ट हमारा प्रिज्मेटिक बार है उसका इलास्टिक कॉन्स्टेंट ई है, और सेकेंड का, सेकेंड मेंबर का मटेरियल डिफरेंट होने के कारण उसका इलास्टिक कॉन्स्टेंट कितना है, टू है, टू ई है. ओके, अब इन पर अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं यहां पर आपसे सिंपल एक बात करूं कि सिग्मा वन अपन सिग्मा टू इज इक्वल टू व्हाट, एंड डेल वन ओवर डेल टू इज इक्वल टू व्हाट. दिस इज स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, दिस इज नॉट इंपैक्ट लोडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टैटिक लोडिंग को हम समझ लेंगे, देन आफ्टर हमें इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में जो क्वेश्चन आते हैं पहले हम उसमें क्या एज्यूम करते हैं. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि उस लोड को हम स्टैटिक लोड एज्यूम करते हैं. तो पहले हम इन दोनों की स्टैटिक लोडिंग के कंडीशन की एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर दो मेंबर दिए हुए हैं, एक का लेंथ एल है, एक का एल बाई टू है, बोथ आर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, लोडिंग कंडीशन आर सेम, लोड Applied load are same, both diameters are same. Then, what is the ratio of sigma 1 and sigma 2? And what is the ratio of del 1 and del 2? Sigma 1 is equal to what? Sigma 1 is equal to P1 upon A1. Is equal to P1 is W. A1 is pi by 4 into D square. If we consider, this is a circular cross-sectional area. Or, okay, diameter D hai, to circular cross-sectional area hi hai. ओके, P1 इज W अपन एरिया इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4W अपन पाई डी स्क्वायर, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू P2 ओवर A2, इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू W A2, सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर उसका भी D है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, दिस इज 4W अपन पाई डी स्क्वायर. Then sigma 1 over sigma 2 is equal to 1. अगर sigma 1 over sigma 2 का analysis देखा जाए, this is the ratio of sigma 1 upon sigma 2 is equal to 1. अगर इसके बाद हम देखते हैं del 1 over del 2. Okay? अगर मैं बात करता हूँ del 1 over del 2 is equal to what? तो del 1 कितना होगा? Del 1 is the first deformation, deformation in फर्स्ट मेंबर, एंड डेल टू इज द डिफॉर्मेशन इन द सेकेंड मेंबर. देन अगर यहां से हम लोग एक चीज देखें, यहां से देखें कि डेल वन कितना आ रहा है और डेल टू कितना आ रहा है. डेल वन कितना होगा, अगर आप देखो तो डेल वन इज इक्वल टू P1 L1 over A1 E1 is equal to P1 is W, L1 is L, A1 is A, pi by 4 into D square, E1 is E, W L over AE, and del 2 is equal to, kitna ho jayega? Del 2 is equal to W as usual hai, okay, W, yahan se thoda sa formula likh lete hain, this is P2 L2 over A2 E2. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इज W, L2 इज इक्वल टू L बाई टू देन इंटू 1 बाई A2, A2 इज इक्वल टू A एंड E2 इज इक्वल टू 2E. ओके, देन डेल 1 ओवर डेल 2 इज इक्वल टू हाउ मच, अगर यहां पर आप देखो तो ये कितना हो गया, W L ओवर 4AE, देन डेल 1 ओवर डेल 2, डेल 1 ओवर डेल 2 इज इक्वल टू WL over AE upon WL over 4AE, 1 by 4 is equal to 4. Okay,
तो यहां पर हमने देखा है स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में कैसे एनालाइज करते हैं, सिग्मा वन और सिग्मा टू कैसे फाइंड आउट किया, फिर डेल वन डेल टू कैसे फाइंड आउट किया। अब सेम अप्रोच जब हम इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में लगाते हैं, तो इंपैक्ट लोड अगर हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि उस लोड को हम स्टैटिक लोड एज्यूम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज एज्यूम द गिवन लोड एज अ स्टैटिक लोड, देन आफ्टर हम सिग्मा स्टैटिक डेल स्टैटिक फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज स्टैटिक लोड कंडीशन, और इस लोडिंग कंडीशन में क्या है, जो हमने सिग्मा निकाला और डेल निकाला, दीज आर स्टैटिक, स्टैटिक एक्सियल स्ट्रेस एंड स्टैटिक डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि इस एग्जांपल में क्या है। आप देखो इसमें भी दो मेंबर दिए हुए हैं, मेंबर वन एंड मेंबर टू। मेंबर वन का लेंथ एल है, बोथ आर सेम टाइप मेंबर देखने में बाई कंस्ट्रक्शन से अगर आप देखो इनके, तो मेंबर वन का लेंथ एल है और इसका डायमेंशन कितना है, एल बाई टू है, डायमीटर्स आर सेम। अब उसी कंडीशन को थोड़ा अब मैं क्रिटिकल कर रहा हूं, अब इसे थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर रहा हूं, अब इंपैक्ट में लेके आ रहा हूं। पिछले कंडीशन में अपना क्या था, दोनों मेंबर का डायमीटर सेम था, लेंथ एक का एल था एक का एल बाई टू था, लेकिन उसमें स्टेटिक लोडिंग लग रही थी डब्ल्यू। अब यहां पर ये जो डब्ल्यू लोड है, अगर सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है, दिस इज डब्ल्यू, और इसे भी मान लिया हमने डब्ल्यू। डब्ल्यू वेट का कोई एक कॉलर, कोई भी वेट है जो एच हाइट से दोनों पर इंपैक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा वन अपन सिग्मा टू, सिग्मा वन अपन सिग्मा टू इज इक्वल टू वॉट, एंड डेल वन ओवर डेल टू इज इक्वल टू वॉट। अब इस कंडीशन में तो दिस इज इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन, बिकॉज कि हम लोड को क्या कर रहे हैं, किसी हाइट से रिलीज कर रहे हैं और वो इंपैक्ट हो रहा है इसके फ्लेंज पे दोनों के, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगी। वो डिफॉर्मेशन कौन सी होगी, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, डेट आर इंपैक्ट। ओके, तो इसको अगर मैं स्टेप वाइज देखा जाए तो इसमें भी कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, दोनों में इंपैक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं दोनों का साथ साथ एनालाइज करते जाऊं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट कि इस W वेट को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज्यूम गिवन लोड एज स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड करने के लिए अब हमें जो जो हमने एजम्पशंस लगाए हैं, मेंबर वन द रफ स्केच कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज मेंबर वन, जो W लोड लग रहा है दिस इज W, एंड दिस इज मेंबर टू, दिस इज हाफ लेंथ स्मॉल, ओके, दिस इज मेंबर टू, हमने क्या एज्यूम कर लिया, दिस इज W लोड। ओके, देन यहां से सिग्मा, दिस इज मेंबर वन एंड दिस इज मेंबर टू, तो सिग्मा वन स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, ए वन इज इक्वल टू ए टू, बिकॉज गिवन डायमीटर आर सेम, ओके, इज इक्वल टू ए, हमने ये एज्यूम कर लिया पहले। अब देखो सिग्मा स्टैटिक डब्ल्यू अपन ए एंड सिग्मा टू स्टैटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन ए ऑल्सो, बोथ आर सेम, देन सिग्मा वन अपन सिग्मा टू इज इक्वल टू वन। यहां से पहली चीज, दिस इज स्टैटिक स्ट्रेस, हम पूछ रहे हैं इंपैक्ट स्ट्रेस, दिस इज अ कंडीशन ऑफ इंपैक्ट। अगर इस क्वेश्चन में सिग्मा वन अपन सिग्मा टू की मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज व्हाट गिवन कंडीशन इज इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन, तो सिग्मा वन अपन सिग्मा टू की जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज इंपैक्ट। ओके, तो उसके आंसर को अभी तो हम स्टैटिक दोनों का हमने फाइंड आउट किया, अब दोनों के डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, स्टेप टू क्या निकालते हैं, डेल वन स्टैटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू एल ओवर ए ई, एंड डेल टू स्टैटिक इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू एल सेकंड कंडीशन में एल इज एल बाई टू एंड ई इज टू ई, देन दिस इज फोर ए ई, बिकॉज यहां पर अगर आप देखो इसको थोड़ा सा, ओके, यहां पर W L बाई टू अपन A इंटू टू ई, दिस इज इक्वल टू W L ओवर फोर ए ई, ठीक है,
ये चीज डेल टू स्टैटिक आ गई। अब हम जो स्टेप थ्री करने जा रहे हैं, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सिग्मा वन सिग्मा टू स्टैटिक कंडीशन में, डेल वन डेल टू स्टैटिक कंडीशन में हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड कंडीशन, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब यहां पर हम सेकंड कंडीशन में इंपैक्ट फैक्टर की बात करेंगे। इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 1 + √ 1 + 2h/del static। ओके, डेल स्टैटिक, दोनों में डेल स्टैटिक डिफरेंट है तो दोनों में इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो इंपैक्ट फैक्टर ऑफ वन, इंपैक्ट फैक्टर ऑफ फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू व्हाट, इंपैक्ट फैक्टर 1 + √ 1 + 2h/WLAE लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। देन सेकेंड मेंबर, इंपैक्ट फैक्टर ऑफ सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू 1 + √ 1 + 2h/4h/AE/WL। ओके, इंपैक्ट फैक्टर वन एंड इंपैक्ट फैक्टर टू। अब यहां से क्या डिफरेंस आएगा और उसको किस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि अब हमें सिग्मा इंपैक्ट ऑफ वन और सिग्मा इंपैक्ट ऑफ टू फाइंड आउट करते हैं। स्टेप फोर, सिग्मा इंपैक्ट ऑफ वन इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, मैं इसे सिग्मा वन भी कह सकता हूं, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वन स्टैटिक इंटू आई एफ वन एंड सिग्मा इंपैक्ट टू is equal to sigma 2 is equal to sigma 2 static into impact factor of 2। okay, अब यहां से अगर देखो तो sigma 1 over sigma 2 is equal to क्या होगा, sigma 1 static and sigma 2 static are same, sigma 1 sigma 2 static are same, these are cancel out, बचेगा क्या, impact factor of 1 upon impact factor of 2। okay, दिस इज सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू। देन अगर मैं डेल वन ओवर डेल टू की बात अगर करता हूं, नाउ इंपैक्ट फैक्टर वन और टू, इंपैक्ट फैक्टर वन और टू का रेशियो आया सिग्मा वन अपन सिग्मा टू। अब अगर यहां से इंपैक्ट फैक्टर इज डिपेंड अपन व्हाट, एच ए ई डब्ल्यू एल, अगर किसी क्वेश्चन में एच ए ई डब्ल्यू एल की वैल्यू गिवेन है, अगर सपोज करते हैं कि हमने क्या देखा, अगर सपोज कर लो कि कुछ वैल्यूज में गिवेन यहां पर है, W is equal to 500 newton, H is equal to 100 mm, assumptions कुछ data हमें लेकर के solve करते हैं हम लोग, A is equal to 200 mm square, then E, elastic constant is equal to 200 GPa, L is equal to 500 mm, okay, then सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू, अगर मैं इंपैक्ट फैक्टर वन की बात करूं, वन की अगर मैं बात करता हूं तो 1 + √ 1 + 2h/AWLAE। ओके, तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं कितना आएगा, 1 + √ 1 + 2 × दिस इज इन mm, h इज इन mm, एरिया इज इन mm, e इज इन gpa, GPA अगर MPA में कन्वर्ट करते हैं तो LBMM में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 × H = 100, A = 200, E = 200 × 10⁻³, बिकॉज इसे मैंने MPA में कन्वर्ट कर दिया, MPA न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, वेट इज इन न्यूटन 500 × L इज इन ऑल्सो mm, 500 mm, ओके, देन 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 5, 40, 5, 8 times, दिस इज इक्वल टू 1 + √ 1 + 2 to 4, 32 × 10⁻³, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी आई एफ वन, ओके, The value of IF1 is
what IF1 is equal to 179.88. Approximate value is this. IF1 is 1799 is 79.88. This is dimensionless. Okay. Then IF2 is equal to root over one plus 4 into H. 8. This is not 4. This is 8. Pardon. This is IF2 is equal to what? IF2 is equal to, from here, this is 4, 2, 8, sorry. This is not 4. This is 8. 8HAE. Okay. Because here is 4AE and 2H, this is multiply 4HAE. Okay. 4 here, this is 8. This is 8. 8 into 100 into A is 200. E is in GPA. 200 into 10 raised to the power 3. MPA mein convert kiya into 500 into 2. 500 into 500. Okay. From here, this is this 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 5, 5, 5, 25, 25, 8, 64 into 10 raised to the power 1 plus root over 1 plus 64 into 10 raised to the power 3. Okay, this is equal to 253.98. Okay, this is IF2. From here, ab hum dekhenge sigma 1 upon sigma 2 is equal to 179.88 upon 253.98, and this value is less than 1. Okay. So this is sigma 1 upon sigma 2. अब यहां से आप इसकी value find out कर सकते हैं. इसकी value आपकी approximate आएगी. The value is approximate sigma 1 over sigma 2 is equal to 0.708 around. This is answer. Okay. This is less than 1. अगर option में आपको less than 1 का value, अगर option है, then you will go with sigma 1 upon sigma 2 is less than 1. Okay. Then, अब इसी question में अगर मैं del 1 over del 2 की बात करूं, अभी तो हमने sigma impact का ratio हमने निकाल लिया, अब del 1 over del 2, यानी del impact 1 over del impact 2 की अगर बात की जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर आप यहां पर देखो, तो del 1, अगर यहां पर मैं निकालता हूं, del 1 impact is equal to what? पहले क्या है? Del 1 impact is equal to 4 WL over AE. This is Del 1 impact. This is equal to W is equal to 500. L is equal to 500 over area is equal to 200 into E is equal to 200 into 10 raised to the power 3. Okay. 500 into 500 upon 200. mm square cancel out, then this is in mm, 500 is in mm, this is into 10 raised to the power minus 3. Okay, from here we can find the value 1 2 3 4 1 2 3 4. This is 25 upon 4. This is 6.25. this is del impact. This is in mm, this is in not in mm, this is in meter. Okay, this is in meter. The unit conversion is very important. Here the 500 is in Newton, 500 is in mm, 200 is in mm square, 200 GPA. GPA ko MPA mein kiya, to Newton per mm square, mm square, mm square, the cancel out. Here Newton, this is in Newton, iska Newton cancel, iska meter mein conversion kiya, this is in meter, 6.25 meter. And del 2 impact,
डेल टू इम्पैक्ट इज इक्वल टू वॉट, डेल टू इम्पैक्ट कितना आएगा, डब्ल्यू है, एल बाई टू था, टू ही था, डब्ल्यू एल ओवर फोर ए ही अपना आया था। अच्छा सॉरी, डेल वन इम्पैक्ट डब्ल्यू एल अपन ए इंटू इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ वन, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ वन, इट मीन्स द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ वन, द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ वन इज वॉट, 179.88। दिस इज इक्वल इंटू 179.88। हियर दिस इज लिटिल बिट मिस्टेक टेक्स प्लेस हियर, ओके सॉरी, देयर इज नो प्रॉब्लम। 25 by 4 into 179.88. It gives a very big value. Okay. There is something approximate any value in meter. Okay. Then WL over 4A into impact factor of 2. It gives some value also. You can find easily. You can find easily. This is in meter. Then del 1 over del 2. Impact. Del 2 impact. You can find the value of this. Okay, that is correct. You can find the value of this from here. You can calculate the value of 25 by 4 into 179.88, and del 2 impact is equal to WL over 4A into impact factor of 2. It means WL over A isme kitna ho jayega? Agar yahan par aap dekho, to 25 by 16 into 253.98. Aap agar simple calculation agar dekhna chaho, तो यहां से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, 253.98 इट गिव्स द वैल्यू इन मीटर आल्सो। और यहां से मीटर में वैल्यू आप निकालोगे, दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, इसलिए डेल इंपैक्ट वन अपन डेल इंपैक्ट टू इज ग्रेटर देन वन। आपने स्टैटिक एक भी कंडीशन में देखा कि फोर टाइम्स का डिफरेंस आया था, ओके फोर टाइम्स का ग्रेटर ही आ रहा था, डेल वन ओवर डेल टू इज ग्रेटर देन वन आ रहा था वहां पे भी। अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाओ तो इसमें आपने देखा था डेल वन ओवर डेल टू इज इक्वल टू फोर, इट इज ग्रेटर देन वन। और यहां पर भी आपने जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू गिव्स द वैल्यू ग्रेटर देन वन। ओके दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग पर ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, हाँ इम्पैक्ट लोडिंग पर विदाउट शॉक वाले कंडीशंस आपको ध्यान रखने होंगे ऑलवेज, कि जो विदाउट शॉक वाले होते हैं उसमें 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक 2 इंटू डेल स्टैटिक, कल जो मैंने बताया एच इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और एच इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो वो 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक एंड 2 इंटू डेल स्टैटिक हो जाता है। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, फॉर द लोडिंग एज सोन इन द फिगर, फॉर द लोडिंग एज shown in the figure, for the loading as shown in the figure, determine the maximum height from which the weight should fall, spring deflection should not exceed by 10 mm. Assume W is equal to 200 newton, stiffness is equal to 100 newton per mm. Okay, तो इसमें दे रहा है कि ये वेट रखा हुआ है जो कि कुछ h हाइट से इसे हमें गिराना है, हाइट हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें इस एच को फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, शुड नॉट एक्सीड बाय 10 mm, इट मींस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें हम कितने हाइट से इस डब्ल्यू वेट को फॉल कराएंगे उस पे कि स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन इज नॉट एक्सीड 10 mm, ओके शुड नॉट एक्सीड 10 mm, इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्प्रिंग डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 10 mm। ओके सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम दिस इज आल्सो कंडीशन ऑफ इंपैक्ट कंडीशन, इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन है, इंपैक्ट का क्वेश्चन है। देन स्टेप वन हमें क्या करना है, स्टेप वन में इसको स्टैटिक जो वेट है इस सिस्टम पे हम क्या मानेंगे, दिस वेट इज एक्ट एज एन स्टैटिक लोड। ओके देन ड्रॉ, दिस इज स्प्रिंग fixed at the this end, and a W load, this W acts from acts as a static load. W is equal to 200 newton, and spring stiffness K is equal to 100 newton per mm. Okay, then this is our first step. Step two में हमने एक ये design कर दिया, then step two में हम क्या find out करेंगे, del static. डेल स्टेटिक
कितना होगा डेल स्टेटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन के, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इन टू एक्स, एक्स इज द डिफ्लेक्शन, हेयर वी टेक डेल एज एन स्टेटिक डिफ्लेक्शन. ओके, तो देन के इन टू एक्स एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करेगा, तो के इन टू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो एक्स इज, एक्स को हमने यहां पर क्या लिया, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन इज डेल स्टेटिक. डब्ल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, डब्ल्यू इज इक्वल टू 200 एंड के इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी है 100. ओके 100, फ्रॉम हियर दिस इज 2 mm. ओके, जब स्टेटिक लोड लगा तो ये 2 mm आया. देन स्टेप टू हमें क्या निकालना है, उस हाइट को फाइंड आउट करना है. स्टेप टू में हमें क्या करना है, इंपैक्ट फैक्टर, स्ट्रेस की बात यहां नहीं करेंगे, इंपैक्ट फैक्टर 1 plus root over 1 plus 2h over del static. ओके, फ्रॉम हियर द इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 plus root over 1 plus 2h over 2, दिस इज mm. ओके, 1 plus root over 1 plus h, दिस इज द इंपैक्ट फैक्टर. एंड स्टेप थ्री, स्टेप थ्री इज वॉट, डेल इंपैक्ट, डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टेटिक, स्टेटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल स्टेटिक 2 इंटू इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 plus root over 1 plus h. एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वेट शुड फॉल, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड बाई 10 mm. एज्यूम आपको उस हाइट को फाइंड आउट करना है, और ये आपकी जो स्प्रिंग की जो डिफ्लेक्शन है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस कंडीशन में. ओके, देन हमारा कंडीशन क्या होगा, स्टेप फोर अपना क्या होगा, स्टेप, दिस इज स्टेप थ्री, दिस इज स्टेप फोर, एंड स्टेप फाइव, स्टेप फाइव अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, डेल इंपैक्ट, डेल इंपैक्ट इज लेस देन इक्वल टू 10 mm. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, देन डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, डेल इंपैक्ट कितना है अपना, 2 into 1 plus root over 1 plus h, 2 into 1 plus root over 1 plus h, दिस इज नॉट एक्सीड लेस देन इक्वल टू 10 mm. ओके, दिस इज इन mm, दिस इज इन mm, वी कैन, दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो इन mm. देन फ्रॉम हियर यहां से डेल इंपैक्ट इज लेस देन इक्वल टू 10 mm, डेल इंपैक्ट 2 into 1 plus root over 1 plus h इज लेस देन इक्वल टू 10 mm. अब यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 1 plus root over 1 plus h इज लेस देन इक्वल टू 5. ओके, यहां से 2 5 टाइम्स कैंसिल आउट. ओके, रूट ओवर 1 प्लस h इज लेस देन इक्वल टू 5 minus 1 5 minus 1. ओके, देन 1 plus h इज लेस देन इक्वल टू 5 minus 1. व्हाट हैपेंड टुडे, 5 minus 1, दिस इज 4 स्क्वायर. ओके, देन 1 plus h इज लेस देन इक्वल टू 16. हियर द h इज लेस देन इक्वल टू 16 minus 1, देन h इज लेस देन इक्वल टू 15. लेस देन इक्वल टू 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में आए, फॉर द लोडिंग एज़ शोन इन द फिगर डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, h, द आंसर इज h इज इक्वल टू 15 mm. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस देखे, जितने एग्जांपल हम लोगों ने देखा, वो क्या देखा, इंपैक्ट लोडिंग के एग्जांपल्स टोटल हमने देखे, उसमें कैसे अप्रोच करना है, इंपैक्ट लोडिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसा करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा. ओके,